जो जो बच्चे 2023 में टॉपर बनना चाहते हैं वो ध्यान से मेरी बातों को समझेंगे। देखो वो टॉपर बनने का कुछ तरीका मैं आपको बताऊंगा जो 2023 में आपको टॉपर बनाएगा और अभी से आपको अप्लाई करनी चाहिए। कौन सा तरीका है आप देखते रहिए वीडियो को। देखो वो सबसे पहली बात समझो कि आपके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन कर रहा है। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहा है, दो नंबर वाला क्वेश्चन कर रहा है और पांच नंबर वाला क्वेश्चन कर रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपका है 50%। 100 ऑब्जेक्टिव देगा 50 सॉल्व करना है। तो इस बार जो बच्चे 10th का एग्जाम देंगे और जो बच्चे 12th का एग्जाम देंगे इस बार 2023 में, वो बच्चे ध्यान से मेरी बातों को अभी से फॉलो करना शुरू करिए। देखो बुआ, सबसे पहली बात आपको करना क्या है कि देखो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है एग्जाम है कि नहीं है, फिर आपका दो नंबर वाला प्रश्न करता है, फिर पांच नंबर वाला प्रश्न करता है ना। आप जो भी चैप्टर पढ़े उस चैप्टर से आपका जो भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट लगता है उसका नोट्स बनाते चले। जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसका नोट्स बनाइए ऑब्जेक्टिव का, और उसी चैप्टर से आप दो नंबर वाले प्रश्न का भी क्या करिए, नोट्स तैयार करिए। उसी से पांच नंबर ये जो प्रश्न लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसका भी आप क्या करिए, नोट्स तैयार करिए। तो आप 10 ही चैप्टर पढ़िएगा या देखिएगा, ज्यादा नहीं है। मान लीजिए आपको टाइम नहीं है 10 चैप्टर पढ़ते पढ़ते, लेकिन विस्तार से पढ़िएगा क्योंकि एग्जाम में पूरा एकदम डीपली आपको ऑब्जेक्टिव देता है, दो नंबरिया भी वैसे ही देता है प्रश्न। तो डीपली पढ़िएगा, विस्तार से आप पढ़िएगा जहां भी पढ़ते हैं। आप नहीं पढ़ते तो ऑनलाइन टीचर से भी आप संपर्क कर सकते हैं, बहुत सारे टीचर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। देखो आपको तैयारी किस टाइप से करना है, जो भी चैप्टर पढ़ते हैं उसमें से ऑब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट लगे वो छाटते चलेगा, नोट्स बनाते चलेगा, क्लियरली याद भी आपको होनी चाहिए। दो नंबरिया प्रश्न उसी, मान लीजिए दो नंबरिया प्रश्न भी उसी से छाटना है। मान लीजिए हम पहला चैप्टर फिजिक्स का पढ़ रहे हैं, या मान लीजिए हम हिस्ट्री का पढ़ रहे हैं, मतलब इतिहास का पढ़ रहे हैं, पहले का चैप्टर पढ़ लिए तो पहले का चैप्टर का नोट्स बना लीजिए आप, उसमें कौन ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, आप कौन दो नंबरिया इंपॉर्टेंट है और कौन पांच नंबर वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो आप छांट लीजिए। आप ये तरीका अप्लाई करेंगे ना, बोल रहे ना कि तो टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपके एग्जाम का तरीका यही है। क्वेश्चन करेगा ऑब्जेक्टिव, आप चैप्टर वाइज सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव छांटते चलिए, फिर दो नंबरिया प्रश्न करेगा, दो नंबरिया इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते चलिए, याद करते चलिए, पांच नंबरिया एक दो छांटिए हर चैप्टर से, कौन रोकेगा यार, टॉपर बनने से कोई रुक नहीं सकता है, ये तरीका। लेकिन देखो आप कम से कम ऑब्जेक्टिव पर 1 से 2 घंटा टाइम दे, दो नंबरिया पर 1 घंटा टाइम दे और पांच नंबरिया क्वेश्चन पर भी 1 घंटा रोज टाइम दे, यानी लगभग 6-7-8 घंटे आप पढ़ना शुरू कर दीजिए अभी से। अभी से मेहनत करेंगे ना, रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता है और 2023 का आप भी टॉपर बच्चे कहे जाएंगे। तो 2023 में जो टॉपर बच्चा बनना चाहता है वो इस बात को समझ ले, जो भी चैप्टर पढ़े उसमें ऑब्जेक्टिव छाटे, दो नंबरिया छाटे और पांच नंबरिया छाटे। यदि आप ऐसा अभी से नोट्स बनाते चलेंगे आप भविष्य में 2023 में टॉपर जरूर बनेंगे।